लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में वोटिंग का सिलसिला जारी है। एसोसिएट क्लास के उम्मीदवार आमिर अली कहते हैं कि इस बार जीत उनके पैनल की होगी। मुंतखब होकर ताजर बरादरी की फलाह व बहबूद के अहम मंसूबों पर काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये देखें, ये गहमा गहमी है और मैं ख़ुद भी कैंडिडेट हूँ एसोसिएट क्लास का और हमारे वोट का पैनल है 16 से लेके 30 तक। आप देखिए हर तरफ जो आवाज़ आ रही है वो 16 से 30 तक की आ रही है और हमारे एग्जीक्यूटिव क्लास के मेंबर भी हमारे साथ खड़े हैं। मन्नू साहब ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप ये देखिए, ये गहमा गहमी और सारा रुख किस साइड भी है, वो लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं, बहुत ज़्यादा अपनी एडवर्टाइजमेंट की है और बैनर्स की सियासत करने की कोशिश की है, ख़ानदानी सियासत करने की कोशिश की है। मुझे यकीन है कि ये कभी कामयाब नहीं होगी। एक नया दिन तलू हो रहा है और वो तलू दिन हो रहा है उन लोगों के लिए जो काम करते हैं चैम्बर के लिए, जो काम करना चाहते हैं ताजरों के लिए, जो काम करना चाहते हैं सनतकारों के लिए और ब्रिज के तौर पर काम कर रहे हैं बिटवीन चैम्बर एंड ट्रेडर्स। एक चीज़ का ख्याल रखें, एक ही चीज़ का ख्याल रखें कि मौरूसी सियासत और ख़ानदानी सियासत से बाहर आएँ। हमें इस सियासत से बाहर आके हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और हमें अहल और काबिल लोगों को सामने लाने की ज़रूरत है। सिर्फ एक ही ख़ानदान में कोई मौरूसियत नहीं है कि उन्हीं ख़ानदानों में सिर्फ अक्लमंद लोग पैदा होते हैं। बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं कि जिनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आम पब्लिक है, जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि काबिल हैं और आगे आना चाहते हैं, लेकिन आप उनको मौरूसियत की सियासत की नज़र मत होने दें।